नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग दो का पाठ शेर पहचान चार हाथ साझा। ये पाठ का नाम है शेर पहचान चार हाथ साझा। ये इस पाठ में चार छोटी छोटी लघु कथाएं हैं। लघु कथाएं मतलब छोटी छोटी कहानियां हैं और इसके लेखक हैं असगर वजाहत। तो चलिए जानते हैं कि पाठ में किसके बारे में वर्णन हुआ है। असगर वजाहत जी ने एक छोटी छोटी चार लघु कथाओं के माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं जानते हैं। शेर पहचान चार हाथ और साझा नाम से उनकी चार लघु कथाएं दी गई हैं। शेर जो है वो प्रतीकात्मक और व्यंगात्मक लघु कथा है। शेर एक व्यंगात्मक लघु कथा है, इसमें व्यंग किया गया है। किस पर व्यंग किया गया है आगे पढ़ते हैं। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। जो शेर है वो व्यवस्था का प्रतीक है, शासन व्यवस्था का, और जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते जा रहे हैं। उन्हें कुछ लोभ है, कुछ लालच है और वो उसके शेर के मुंह में समाते जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है, जैसे लेखक चाहता है कि वो उसके मुंह में न जाए, तो शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपकता है। इसका क्या अर्थ हुआ, क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खुखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छदम क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है। शेर पहचान दूसरी कहानी पहचान की है। पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है। क्यों? क्योंकि न वो देख पाएंगे न वो बोल पाएंगे और राजा जो कुछ करता रहेगा उसका विरोध नहीं करेंगे। जो गलत काम भी करेगा तो प्रजा जो है उसका विरोध नहीं करेगी, अगर वो अंधी, बहरी और गूंगी होगी तो इस यही कहानी है। जो सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे, राजा को ऐसी प्रजा चाहिए। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में उन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। इस छदम प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादक के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्ग में बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है, क्योंकि जनता अगर एकजुट हो गई तो जनता की ताकत के आगे राजा की ताकत कम पड़ जाएगी। इसलिए वे उन्हें धोखे में रखता है और यही उसकी सफलता का राज है। अब ये शेर पहचान हो गई। अब चार हाथ। चार हाथ में पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। जो चार हाथ कहानी है वो पूंजीवादी व्यवस्था के मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। पंगु मतलब कमजोर बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही खत्म कर देते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वे मिल के कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में अभी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार है। क्या कह रहे हैं कि जो मजदूर हैं वो मशीन के पुर्जों की तरह हो गए हैं।
मशीन में लगे हुए जो पेज पुर्चे होते हैं ना उनकी तरह हो गए हैं, और वो इतने लाचार हैं कि आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है कि किस प्रकार से मजदूरों का पूंजीपति जो होते हैं वो शोषण करते हैं। अगली कहानी है सांझा। सांझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पादन पर जमी है। अब वो उनकी जमीन पर भी नजर रखने लगे हैं। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को सांझा खेती करने का झांसा देता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। ये हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है, यानी पैसे वाले लोग हैं, जो किसान को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत हजम कर जाते हैं। यह कहानी आजादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उनके कारणों को भी पड़ताल करती है। तो बच्चों, ये थी कहानी, आप कहानी शेर पहचान चार हाथ साझा। कहानी था शेर पहचान चार हाथ साझा। तो छोटी छोटी ये चार कहानियां हैं, आप इनको, मैंने आपको समरी बता दी है, आप इनको और अच्छी प्रकार से पाठ को पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आप स्वयं से एक बार पाठ पढ़ लीजिए, उसके प्रश्न उत्तर कर लीजिए। यदि कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।